Thoughts Explained. कहा कि ये पैसे रखो आप और मेरा टीवी चैनल ऑन करके रखना दिन भर, और एग्जैक्टली यही लूपहोल इस्तेमाल किया जा रहा था मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग रिपब्लिक टीवी के द्वारा टीआरपीज को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर्मर एम्प्लॉयज जो हंसा रिसर्च एजेंसी में काम करते थे उनको रिश्वत दी गई, जिन्होंने घर को आइडेंटिफाई किया कि इन घरों में बैरोमीटर्स लगे हैं, घर वालों को तकरीबन 500 से 600 रुपए प्रति दिन दिए गए कि वो इस पर्टिकुलर चैनल को ऑन रखें, कितने घंटे के लिए ऑन रखें ताकि उनकी टीआरपीज बढ़े। Parambir Singh said Republic name is involved in TRP manipulation. Bark has told us. Bark has told us. But Bark, has Bark said so? Bark says there is nothing. Parambir says Bark told him. Bark says there is nothing. Parambir Singh says the Bark complained to him. Bark put out facts. Bark said Republic is in TRP manipulation. Bark has told us absolutely no question of anything like this. And shoved to the side. We are asking a simple question. Yes, Arnab Goswami at this point of time is driving the car. Arnab, we'd like to stop you. Arnab. Yes. Tera baap aaya. अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, और मुझे लगता है जिस तरह के इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 45% इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार में। रोज 4 बलात्कार हो रहे हैं हरियाणा के अंदर रोजाना। ये तो आपने अपहरण और हत्या की, आपको लगता है लव जिहाद। अभी बीजेपी की और कांग्रेस की प्रवक्ता को जो हमने सुना उसमें मैं अपना एक न्यूट्रल जो ओपिनियन है वो देश के सामने जरूर रखना चाहती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता ने दो बातें कही जिसमें से एक बात मुझे अच्छी लगी, एक बात पे मैं अग्री नहीं करती। ये बात उन्होंने सही कही कि दोनों लड़कों को रिमांड पे लिया जा चुका है, SIT का गठन किया जा चुका है, लड़की के परिवार वाले आगे कोई कंप्लेंट लगाते हैं तो हम उसमें प्रोएक्टिवली एक्शन लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है हरियाणा सरकार की, अगर वो बिहाफ पे ये बात बोल रहे हैं। एक बात जो वो लव जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं, मैं ये अपील करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतवासी बहुत सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी समस्याओं के लिए देख रहे हैं। आप ऐसी चीजों में प्लीज पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत किया करिए। सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद है, ये एक पूरा पैटर्न है रोहित जी। मैं उसके एग्जांपल्स भी आपको नेक्स्ट एयर टाइम में दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो अलका लांबा जी ने कुछ बातें बोली वो कवर करना चाहती हूँ। अलका लांबा जी बहुत चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने एक बच्ची के साथ इतना बीभत्स घटना करके उसको मार दिया, बलात्कार की पुष्टि भी हो गई, वहां पे आपकी कांग्रेस जाकर नहीं बोली। रोहित जी मैं सिर्फ तीन एग्जाम्पल दूंगी। बलरामपुर का मैंने दिया, अभी लखनऊ में अंजना तिवारी ने अपने अंदर आग लगा ली, अपने आप को जला दिया, लव जिहाद की पीड़ित थी वो भी महिला, उसको भी कांग्रेस के एक नेता आलोक वर्मा ने भड़काया था सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार हिलाने के लिए कि जाके विधानसभा के आगे अपने अंदर आग लगा लो, लड़की को मार दिया। आलोक वर्मा जी के खिलाफ FIR भी हुई है और जेल भी गए हैं। तीसरा एग्जाम्पल जिस टॉपिक पे आज आप बैठी है, जो ये फरीदाबाद में मारी गई है लड़की दिन दहाड़े गोली, वहां पे आपके नेता आफताब अहमद जो मंत्री भी हैं विधायक भी हैं उनके खिलाफ आपकी जबान नहीं खुल रही है, और आप महिला सम्मान के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। I don't care what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. राजद कांग्रेस और लोजपा एक तरफ सरकारी नौकरी की बात करते हैं, भाजपा रोजगार की बात करती है, स्वरोजगार की। नौकरी बनाम रोजगार की इस धारणा को बिहार के नौजवान साफ साफ समझते हैं। भारत के नौजवानों की जवानी की कहानी अब खत्म हो गई है, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस तरह चपेट में ले लिया है कि वे नौकरी की बात करेंगे नहीं। पूरी तरह से ये बात गलत नहीं थी, लेकिन नौकरी मुद्दा नहीं है ये बात भी सही नहीं है। And joining the panel tonight is Shakti Yadav, MLA and spokesperson of the RJD. और RJD के MLA से मैं पूछना चाहती हूँ, यादव जी, नेहरू जी का अगर जन्मदिन हो तो बाल दिवस, इंदिरा जी का जन्मदिन हो तो एकता दिवस, राजीव जी का जन्मदिन हो तो सद्भावना दिवस, मोदी जी का जन्मदिन हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दिवस, अब और अगर लालू जी का बर्थडे हो तो गरीब सम्मान दिवस, ये कुछ
समझ नहीं आता कि ये पॉलिटिक्स को किस स्तर तक आप लोग ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो जरूर हुई है, पॉलिटिकल लीडर्स की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। 2014 के पास ना आरजेडी के पास कोई काम है, ना कांग्रेस के पास कोई काम है, ना समाजवादी पार्टी के पास कोई काम है, आप लोगों का तो कोई काम है नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो नेता हो गए ना सारे ऑपोजिशन पार्टीज के। आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेट मी गेट इन आनंद रंगनाथन। आनंद रंगनाथन, is the opposition running out of courtesy or patience? Navika, look, you know, unemployment is a serious concern, but it isn't going to be solved by Rahul Gandhi behaving like a petulant child who gate crashed a birthday party demanding a return gift. At least he could have spared his hate today and allowed a man to celebrate his birthday. Anyhow, little does he realize that irrespective of the COVID-induced recession or cyclical factors like high interest rate, weak bond market, low credit growth, high cost of borrowing, the economy has been in a bad shape these past years because Modi has been following the Congress socialist policies. And any deviation from them has been vetoed by Congress itself. You know, no one has been more critical of Modi than I, right from bolstering PSUs to demonetization to nationalized bank to structural reforms. But Congress has supported Modi in pushing India into a so-called economic abyss. Let me give you a few examples. Please bear with me. One, we have 1825 PSUs, quarter of them non-functional. A fifth of our annual budgetary allocation of 27 lakh crores goes in propping up PSUs. There has been zero privatization. The PSUs that are sold are bought by other PSUs, PFC, LIC, NTPC buying REC, Coal India, THDC, NEEPCO. But who objects to them being sold? Yes, Congress. Two, nationalized banks are rife with corruption and NPAs totaling 10 lakh crores. But who objects to their privatization? Yes, Congress. Three, there is no incentive for private companies to set up shops because of zero land reforms. But who blocked the land acquisition bill? Yes, Congress. Four, states have a liability of 50 lakh crores, but who supports loan waivers? Yes, the Congress. Five, agriculture contributes only 13% to our GDP, and yet 44% of our 485 million strong labor force is involved in it. In the West, it is just 2%. Production to purchase, the entire chain is archaic, almost medieval. But who vetoes ECA amendment and who vetoes market integration? Yes, Congress. Please give me 30 seconds, Navika. The Congress's idea of employment is Manrega, or as Modi once put it derisively, Gadde Khodna. Ironically, it is Modi who has increased Manrega budget multifold. Finally, on unemployment. And here the tragedy really hits you, Navika, because 91% of our labor force is in the informal sector. The only data we have is through the EPFO for the formal sector jobs or a ramshackle five-year NSSO survey. One cannot have a meaningful discussion, academic or political, on jobs unless we know how many new jobs were created per ready labor force every year during the UPA and the NDA. All else is finger pointing. Indian scientists can send a satellite to Mars, but Indian never, economists cannot furnish this simple info. We've never seen. आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा इंडिया। अब वक्त आ गया है, हमको बोला मां बहनों को आगे भेज दिया, तुम ब्लैंकेट पर भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छोड़ गए। समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। भी है, हसीन सपने भी है, लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि हिंदू क्योंकि सहनशील सहिष्णु है उसको उस कमजोरी समझी जा रही है? कमजोरी उनके दिमाग में होगी तो हम क्या करें, परंतु हम तो 82% से ज्यादा हैं और हमने पिछले 1000 साल में हर युद्ध को आखिर में जीता है। अंग्रेजों को भी भगा दिया, मुसलमानों का सारे राजवंश को समाप्त कर दिया। तो हम हिंदुओं में वो आत्मविश्वास है कि हम इंतज़ार भी करें समय के लिए, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, इसके लिए कोई समर्थन नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ये होना ही था, इन लोगों को सर पर आप लोगों ने चढ़ाया हुआ है, कोई कार्रवाई होती नहीं है, पूरा सिस्टम नतमस्तक है, वहाँ हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, वहाँ जा जाकर
वहां पर जो शाहीनबाग में प्रदर्शन कर रहा है वहां पर हाथ जोड़कर कहा जा रहा है हट जाओ, 67 दिन हो गए हैं, इन लोगों को सर पर चढ़ाया हुआ है। इसलिए जिन्ना वाली सोच, जिन्ना वाली आजादी, चिकन नेक काट देंगे टुकड़े टुकड़े, कुछ होता नहीं है, ये लोग बोल के चले जाते हैं, होता नहीं है सर कुछ। नहीं, हम इसमें सहन करने का तो सवाल ही नहीं है। हम कहीं कोई हम हमारे तरफ से कोई तो वहाँ जा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 3 लोगों को जाना चाहिए, उनका हाल क्या हो रहा है तो आप टेलीविजन में देख सकते हो। अब आखिर में इनको उठाना है तो ये 5 मिनट का काम है, इनको उठाकर ठुगलकाबाद में खाली जगह पड़ा है वहाँ उनको बंद कर सकते हैं। Got the block with a toxic, bitten logic, make them nauseous, honest,